मोहतरम तुलबा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th दर्सी किताब में बेटा हम लोगों का दूसरा सबक है नजरिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान के इंट्रोडक्शन के बेटा की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, इन्हें एक मतवाली डाउट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान 1912 को जबलपुर में पैदा हुए। आपने 1928 को अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से मैट्रिक पास किया और आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने LLB और MA उर्दू और MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 को उर्दू में PhD की और 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किंग एडवर्ड कॉलेज अमरवती से किया। क्याबे पाकिस्तान जब पाकिस्तान बन गया तो आप उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हो गए और सिंध यूनिवर्सिटी में बतौर सदर शोबा उर्दू भी काम करते रहे। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज, नकुश अवार्ड और निशाने सिपास मिला। बिलाखिर सन 2005 को आप कराची में ही वफात पा गए। आपकी लिखी हुई तसानीफ में सैयद हसन गजनवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद और तहकीक अहम है। बेटा ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था। शुरू करते हैं इस सबक की रीडिंग। सबक नजरिया है पाकिस्तान, नजरिया सोच पाकिस्तान, पाकिस्तान की सोच, ठीक है, कैसे पेश हुई, कहां से आई, किसने बताई, ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बेटा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। रवादारी तहम्मुल बर्दाश्त, शेवा तरीका। लेकिन जब कुफ्र इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। इल्हाद दीन से फिरना, दीन से हट जाना, डटकर खड़ा होना, मुकाबला करना। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आजादी खुद उनके दीनी मामलात में भी खत्म हो गई थी। चुनाचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। आपने जहांगीर के जमाने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियां झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फरोग दिया। मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बेटा इनका ताल्लुक नक्शबंदी सिलसिले से है। नक्शबंदी सिलसिले की एक अहम शख्सियत है ये, ठीक है। झेली, बर्दाश्त की, फरोग दिया, फैलाया। उनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब दीन का खादिम बना। लेकिन औरंगजेब के बाद ही उसके बेटों के बाहम नफाक और कमजोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। नफाक, नाइतफाकी, मराठों और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठाया। सर उठाना सामने आना, मुकाबले के लिए ललकारना। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए, कदम जमाना मजबूती से ग्रस्त करना और मुल्क में इंतशार फैल गया। इंतशार, अफरा तफरी। लेकिन ऐसे कई गुजरे हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रही। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेजों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी जमाने में शाहवली अल्लाह देहलवी और उनके साहिबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। तहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और बलबला पैदा किया। बलबला, जोश, जज्बा। चुनाचे 1857 की जंगी आजादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजी इक्तदार मुस्तहकम हो चुका था। इक्तदार, हकूमत, मुस्तहकम होना, मजबूत होना, इसलिए उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जाना। मुफाहमत, सुलह, बातचीत और मुसलमानों
और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसासी कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। ठीक है बेटा, ये आज हमने यहां तक रीडिंग की है, कल इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।